तो आपको दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है, सवाल में कि HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM का मैं फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ कि HCF और LCM का सूत्र क्या होता है। बिना सूत्र से आपको समझ में नहीं आएगा, तो आइए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा कैसे होता है। इसमें दो संख्या होती है, यानी कि HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो संख्या मिलेगा। दो संख्या कौन होती है? एक होती है पहली संख्या को ए कहते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग बी कहते हैं। तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, और दूसरा का एचसीएफ होता है इसके बाद, और एलसीएम। इसी तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला का निर्माण होता है। जो फॉर्मूला तैयार होता है हमारा, HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में LCM। LCM बराबर पूछ रहे कितना होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। पहली संख्या बराबर क्या होता है कि HCF गुणे LCM बटा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटा में पहली संख्या। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कहते हैं कि जांच करने के लिए, तो जांच कब होता है? तो इसका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस तरीका से आप हम जांच कर सकते हैं सवाल को, सूत्र को। तो आपको जांच करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं कैसे सवाल को हल करता हूँ जांच करके भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बताया हुआ सवाल सही है या गलत है। तो आइए हम इसको, पहले हम इसमें HCF और LCM निकालते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 26 का अलग निकालिएगा, 91 का अलग निकालिएगा, उसी प्रकार से 510 का अलग निकालिएगा, 92 का अलग निकालिएगा, 336 का अलग निकालिएगा, 54 का अलग निकालिएगा, यानी सबका गुणनखंड अलग अलग करेंगे। इसमें 2 से 13 26 छोड़ दीजिए, चाहे घटा सकते हैं, 13 एकम 13। इसमें भी 13 सते 91 13 एकम 13, यानी कि 26 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 13, और 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1 गुने 1। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? जो मिलता है उसको एचसीएफ कहते हैं। हमारे पास क्या मिल गया, 13। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम बराबर मैंने किया बताया आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 और 91 बटा में एचसीएफ मान 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुने 91 आप करेंगे तो हमारे पास एलसीएम का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 182 आपका एलसीएम का मान आ गया। इसी तरीका से नेक्स्ट सवाल को हम करते हैं। इसको देखिए, 2 दूनी का 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 से 50 25 5 एकम 5। अगर देखिए 3 से 51, इसको 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23, इसका हम 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2, क्योंकि मिल रहा है इसमें कितना, 2 ही मिल रहा है हमारा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अगला एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या का दूसरी संख्या बटा है एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, 510 गुने 92 बटा में 2, 2 से कटा लीजिए, 46 गुने 92, यानी 510 गुने 46। आपको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 510 में 46 से 0, 6, 6 5 30, 0 4 5 का 20, 0 6 4 3 2, यानी हमारा आ गया आंसर 23460 आपका एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे हम, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 2 से 4 2, 2 से 21,
तीन सात इक्कीस, इसमें दो से सताईस यानी चौवन, तीन से तीन सताईस, तीतरी का नौ। तब इसमें भी हम मिलाएंगे 336 बराबर दो गुने तीन गुने सात, और चौवन बराबर दो गुने तीन। अब इसमें ऐसे पद निकालेंगे, क्या मिलता है, एक दो मिल गया और एक तीन मिल गया, तीन दुनी छ। तो एलसीएम बराबर वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एस सी एल, यानी कि 336 गुने चौवन बटा में छ, छ नवा चौवन, एलसीएम बराबर 336 गुने नौ, नचक चौवन में चार में लगा पाँच, सताईस पाँच कितना हो बत्तीस, के दुआत में लगा तीन, नौतीस सताईस सताईस तीन इकतीस, यानी कितना आपका आंसर आ गया, आप ध्यान से समझिए, आंसर में आपको 24 सताईस तीन 30 हो ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप पूरा सवाल को हल कीजिएगा।